स्क्रीन पे स्माइलिंग फेस देख रहे थे जब वो फ्रॉम कर रहे हैं। देखिए, अल-क़ादिर यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने का मकसद ही यही था कि हम समहाउ इस्लाम के नाम पे बने, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल चंद अमेंडमेंट्स के अलावा इस्लाम इतना दाखिल नहीं, ख़ास तौर पे जो चीज़ कौम में दाखिल होती है उनके एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए से दाखिल होती है या मीडिया के ज़रिए से दाखिल होती है। दोनों तरफ अगर हम देखें तो ब्रॉडली एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेकुलर या वर्ल्डली नैरेटिव है जिसके अंदर इस्लाम के आइडियाज़ इनकॉर्पोरेट अक्सर नहीं होते, मेन स्ट्रीम में कम से कम नहीं होते। तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत महसूस की गई कि जहाँ पर डीप डाउन हम कुरान पे, सुन्ना पे, सीरा पे, उलमा मशाइख के अक़वाल पे, तसव्वुफ़ पे, इन सब चीज़ों पे तहकीक करें, और दूसरी तरफ वो तहकीक जो है वो अपनी जगह हो लेकिन उसको हम साथ साथ कनेक्ट करें, मर्ज करें जो साइंटिफिक रिसर्च है। ये बहुत लॉन्ग हेल्ड खान साहब का अपना ड्रीम था कि वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाए जहाँ पे सूफिज़म सीरा की तालीम दी जाए और उसको इंटीग्रेट किया जाए साइंसेस से और मॉडर्न लिटरेचर से। इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ फर्स्ट लेडी एज़ वेल, बट एट द सेम टाइम आई थिंक ये जो डीप डाउन खान साहब का एक पैशन था पहले से वो अब एक रियलाइज़ हो रहा है कि ये प्राइवेट सेक्टर में है यूनिवर्सिटी, तो क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए आपको पता है जब हुकूमत बदलती है तो पॉलिसीज भी बदलती है, तो हम चाहते हैं तो इसलिए हमने इसको यानी प्राइवेट उसमें सेटअप किया एक ट्रस्ट के अंडर। मेरा नाम अक्सर नुसरत है और मेरा ताल्लुक जो है डिस्ट्रिक्ट नारोवाल शकरगढ़ से है। मैंने FSC प्री मेडिकल किया है और जो है मेरा इधर आना जो है मेरे पैशन की वजह से था कि मैं अपने मुल्क की वेलफेयर के लिए काम करूं, और जब मैंने अल-क़ादिर का VN देखा इसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया। मेंटर्स असाइन करके एक इकोसिस्टम बना के, जैसे ऑक्सफोर्ड रेजिडेंशियल कॉलेज का सिस्टम है कि वहाँ पे वो जो तालीम है या डेवलपमेंट है कैरेक्टर की वो क्लासरूम की हदूद तक ख़त्म नहीं होती बल्कि वो बियॉन्ड हॉस्टल्स में भी जाती है। हमारा एक और प्लान है कि मदरसे के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कुछ मास्टर्स के कोर्सेज ऐसे किए जाएँ जिसके अंदर वो यहाँ आके जो उनकी जो थोड़ी बहुत इस साइड की एक कमी रह जाती है कि जहाँ पर साइंस, इंग्लिश, रिसर्च मेथड्स, सोशल साइंसेज, तो वो उनको सिखाया जाए, फ़िलासफ़ी, सोशल साइंस, ये सारी चीज़ों को सिखाई जाए ताकि वो और मौसर हों अपनी दावत में और अपने पैगाम को पहुँचाने में। बट ये नहीं कि यूनिवर्सिटी सिर्फ मुसलमानों के लिए है, यहाँ पे बाज़ प्रोफेसर्स भी ऐसे होंगे जो एक न्यूट्रल सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है मुसलमान ना, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे हो सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अमार बशारत है। अल-क़ादिर का मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं 2018 के करीब मैं उमरा करने गया था, 2018 के एंड पे, तो उसके बाद से ना मैं काफ़ी ज़्यादा मज़हब की साइड पे हो गया था, तो इस्लाम में काफ़ी इंटरेस्टेड हो गया था। तो उसके बाद से मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ना सिर्फ दुनियावी तालीम हासिल करूं बल्कि मैं दीनी तालीम की तरफ भी जाऊँ। बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी सोहबत वाली जगह हो जहाँ पर आपकी प्रॉपर तरबियत की जाए, आपके साथ टीचर्स हों जो आपको चीज़ें बताएँ कि क्या करनी है और फिर आपको करके दिखाएँ। फैकल्टी सेलेक्ट करें उनकी बुनियादी ओरिएंटेशन इस्लामिक हो, अपने सब्जेक्ट के भी वो माहिर हो लेकिन एट द सेम टाइम उनकी ग्राउंडिंग इस्लाम में हो, इसका स्कोप ग्लोबल होगा। और ये चीज़ हम रिट्रेट की अपनी इस पिछली स्पीच में भी, हम ज़्यादा बिल्ड कर रहे हैं कनेक्शंस, कुछ MOUs भी साइन कर रहे हैं टर्की के साथ, टर्की के इदारों के साथ ऑलरेडी भी कुछ हो चुके हैं, मलेशिया में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इदारे हैं जहाँ से हम चाहते हैं कि आगे स्टूडेंट एक्सचेंज भी हो, फैकल्टी एक्सचेंज भी हो। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि इंशाल्लाह यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स भी होंगे, फॉरेन टीचर्स भी होंगे। फॉरेन टीचर्स अभी कुछ इंगेज हुए हैं जो कि पार्ट टाइम बेसिस पे अपने कुछ लेक्चर्स ऑनलाइन देंगे और कुछ विजिटेशंस करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर ऑन ग्राउंड भी देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि जी हम थोड़ा सा इस तरह की नर्चरिंग चाहते हैं और अच्छे ख़ानदानों से, एलीट ख़ानदानों से, लेकिन अपने बच्चों को कहाँ भेजें। अभी तक मुझे उनको जवाब देने के लिए नहीं था, अब वो जवाब देने के लिए है कि वो आप अपने बच्चों को अल-क़ादिर यूनिवर्सिटी भेजें।